तो सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद इस वक्त लालू यादव और नीतीश कुमार बाहर निकल रहे हैं 10 जनपद रोड से। सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। सामने गाड़ी में आप आगे की सीट पर लालू यादव को देख सकते हैं और पीछे दूसरी गाड़ी में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। करीब एक घंटे की ये मुलाकात रही और इस मुलाकात का मकसद सिर्फ इतना था कि 2024 इलेक्शन को देखते हुए विपक्ष एक साथ हो और विपक्षी एकजुटता को लेकर ये तस्वीर है। सामने आपको नीतीश कुमार जो है वो नजर आ रहे होंगे मुस्कुराते हुए। और आपको बता दें कि तकरीबन एक घंटे की मुलाकात में जो नीतीश कुमार ने बाहर आकर मीडिया से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम एक साथ विपक्षी एकजुट होकर लड़ेंगे 2024 में। मकसद यही है कि बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं वो एक साथ लड़ाई लड़े ताकि मोदी के खिलाफ जो है ये मुकाबला कड़ा हो। और यही सोच, और आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले जब नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचे थे तो उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, तमाम बड़े नेताओं से विपक्षी की मुलाकात की थी, लेकिन सोनिया गांधी उस वक्त इंडिया में नहीं थी, वो बाहर थी। तो उन्होंने कहा था कि अगली बार, नीतीश कुमार ने कहा कि जब सोनिया गांधी से अगली बार आएंगे तो मुलाकात होगी, और आज उनकी मुलाकात तकरीबन एक घंटे की रही। अब इस मुलाकात के अलग अलग सियासी मायने हैं जो निकाले जा रहे हैं, हालांकि 2024 को ध्यान में रखते हुए, चूंकि हाल ही में सत्ता पलट हुआ है बिहार में, और इसको ध्यान में रखते हुए कि 2024 का मुकाबला बीजेपी के खिलाफ जो तमाम जो पार्टियां हैं जिसमें कांग्रेस नेतृत्व करे और बाकी जो पार्टियां हैं वो एकजुट हो। हालांकि क्या अपने आप को बड़ा चेहरा देखते हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के तौर पर, इस पर सवाल जो है वो बाकी है। और ये मुलाकात कितनी सफल रही इसके कुछ दिनों में मुझे लगता है पता चल जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो यही फिलहाल कह रही है कि किस तरह से 2024 का मुकाबला जो है उसमें अपने आप को कितने मजबूत देखते हैं। अपने सहयोगी रंजीत के साथ नीतीश श्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।